आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 6 स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 7 के, और थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो कि 90 डिग्री के बीच में है। 0 भी हो सकती है, 90 भी हो सकती है, बाकी जो है 0 90 के बीच में है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका क्या होगा, पहला तरीका जो है वो आइडेंटिटी बेस्ड है। सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 7 के, ये पहला इक्वेशन आपको दे रखा है और सेक और टेन की आइडेंटिटी बनती है आपको ये पता है, तो इसलिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 के भी होता है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अगर दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर दें तो ऐड करने पर अपने आप हमें एक वैल्यू पता चल जाएगी, जैसे ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 sec square theta बराबर 8 के, या आप कह सकते हैं कि sec square theta बराबर 4 के, या sec theta बराबर 2 के, या cos theta बराबर 1/2 जो कि cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है, इसलिए थीटा का मान कितना हो गया 60 डिग्री। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि आपने क्या किया, एक इक्वेशन दिया था, दूसरा इक्वेशन आइडेंटिटी हमें पता है sec square theta minus tan square theta 1 होता है, दोनों को ऐड कर दिया, अपने आप आपके एंगल आ गया। अब दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर आप सॉल्व न करना चाहें तो आप ऑप्शन से निकाल सकते हैं। ऑप्शन पे हमेशा ध्यान रखिए, ऑप्शन पे दिए गए एंगल क्या है, स्टैंडर्ड है। जब भी स्टैंडर्ड एंगल दिए हैं तो आप डायरेक्ट निकाल करके देख सकते हैं। जैसे ऑप्शन ए से अगर हम देखें, ये कह रहा है 60 डिग्री, 60 मतलब cos 60 का इनवर्स, cos 60 मतलब होता है आपके 1/2, तो 1/2 का पलट दें तो 2/1 हो जाएगा, 2/1 का स्क्वायर दैट इज 4 हो गया, प्लस tan स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह 60 रखा, tan स्क्वायर 60, tan 60 की वैल्यू √3 का स्क्वायर 3, तो 4 + 3 = 7 ये आ रहा है, इसलिए ए वाला आंसर हो जाएगा। तो एक बार में ही आपका आंसर आ गया। अगर ये नहीं सेटिस्फाई करता तो हम फिर 30 डिग्री रखते दोनों जगह, तब देखते लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं। अगर ये भी नहीं होता तो हम 0 डिग्री रखते, फिर 90 डिग्री रखते। तो एक ऑप्शन आप हो सकता है कि जो भी एंगल दिए हैं उनको एक एक करके रखिए, जिस पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जो है आपके एक तरह से सेटिस्फाई कर जाएगा वही आपका आंसर होगा। अब दोनों तरीके हैं आपके पास, दोनों में से जो आप जो है लगाना चाहें, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आंसर डी होता तो हमें 4 बार चेक करना पड़ता, मैक्सिमम 4 बार आपको चेक करना पड़ेगा। तो अगर आप जल्दी से चेक कर सकते हैं तेज, तो जल्दी फटाफट आप इसी को चेक करके निकाल सकते हैं, तो ये मेथड आपका ज्यादा आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। √3 tan θ - 1 = 0 के साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान आपको निकालना है। अब देखिए √3 tan θ - 1 = 0 के माइनस वन अगर हम इधर ले आए, √3 tan θ = 1 के, या आप ये कह सकते हैं कि tan थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/√3 आ रही है। 1/√3 tan के कितने एंगल का मान होता है, tan 30 डिग्री। इसके मतलब ये अंडरस्टूड हो गया कि थीटा का मान क्या है, 30 डिग्री है। तो इससे हमें डायरेक्ट वैल्यू पता चल गई थी 30, अब आप इस पर रख दीजिए, तो साइन 30 प्लस कॉस 30 ये आपकी वैल्यू हो गई। साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2, कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो गई, √3/2, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + √3/2, ये आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं, तो एक स्टेप में आपने पहले थीटा निकाल लिया, नेक्स्ट स्टेप में थीटा की वैल्यू रख दिया, इससे आपकी वैल्यू आ जाएगी, तो √3 + 2, तो ये सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है देखिए, अब देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा
थीटा का होल स्क्वायर का मान होगा। आपको याद होगा हमने एलजेब्रा के दो क्वेश्चन बताए थे, दो फॉर्मूले बताए थे, और उस टाइम पहले फॉर्मूले पर आपके क्वेश्चन बना था, ये दूसरे फॉर्मूले पर है। अगर वो फॉर्मूला आपको याद होगा तो आपको कुछ नहीं करना, पेन भी नहीं देखना, आपका डायरेक्ट आंसर आ चुका है। दूसरा तरीका, अगर आपको कुछ नहीं पता तो ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्मूले से इनको एक्सपेंड कर दीजिए। तो क्या होगा अगर हम इसको एक्सपेंड करें ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, इसको ए स्क्वायर माइनस साइन के साथ, क्योंकि बाहर माइनस है तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन के साथ माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस टू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन के साथ प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कि कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, टू साइन थीटा कॉस थीटा टू साइन थीटा कॉस थीटा, जो कि क्या हो जाएगा फोर साइन थीटा कॉस थीटा। और ये सब भी करने की जरूरत नहीं थी अगर आपको जो हमने फॉर्मूला बताया था इससे पहले, हम लोग ने क्वेश्चन कैसे किया था, वो फॉर्मूला था ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका जो है आपके सॉल्यूशन क्या था, ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिस पर हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। और ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर माइनस लग जाएगा तो ये किसके बराबर होता है, तो फोर ए बी के बराबर होता है। तो डायरेक्ट यही फॉर्मूला लग रहा है। तो आपको अगर ये फॉर्मूला याद है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, फोर ए बी के बराबर होता है। तो फोर ए बी मतलब फोर साइन थीटा कॉस थीटा, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा फोर साइन थीटा कॉस थीटा। कोई सोल्यूशन नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूला अगर दिमाग में रहे तो जैसे इससे पहले हम लोग ने इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन किया था, सेम यही क्वेश्चन आया था लेकिन इस फॉर्मूले पे था। अब देखिए इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ गया, तो अगर आप फॉर्मूले को दिमाग में रखेंगे, एलजेब्रा का हेल्प लिया और इसकी हेल्प से आपने क्वेश्चन को निकाल दिया, तो ये सब आपके एक तरह से ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्मूले को एक्सपेंड नहीं करना पड़ेगा स्क्वायर वाले फॉर्मूले को, और आप डायरेक्टली आप आंसर बता पाएंगे। तो फॉर्मूला कुछ जगह पे बहुत ज़रूरी है, तो छोटे छोटे फॉर्मूले एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए। और ये सब ऐसे फॉर्मूले हैं कि खुद ब खुद याद हो जाने चाहिए एक दो बार देख करके भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए टेन थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर टू के दिया हुआ है, और वैल्यू जो है वो आपके साइन थीटा की निकालना है। अब इसकी जो है वैल्यू है ये कैसे निकलेगी या किस तरह से, जैसे हमने आपको कहा ये क्वेश्चन किसका है, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो रूल का। जब हम लोग एलजेब्रा पढ़ेंगे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो फिर आएगा ये, अभी फिलहाल जब तक हम लोग ने एलजेब्रा नहीं पढ़ा है तो क्या करेंगे हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और इसको लिखें तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इधर दिया है और ये इधर आएगा तो टू इंटू टेन थीटा माइनस टू इंटू कॉट थीटा, तो टू टेन थीटा माइनस टू कॉट थीटा। अब देखिए कॉट थीटा को इधर ले आए तो ये हो जाएगा थ्री कॉट थीटा, और टेन थीटा को इधर ले आए तो टू माइनस वन दैट इज टेन थीटा, और कॉट क्या होता है वन बाय टेन, तो वन बाय टेन होने की वजह से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो थ्री बराबर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, या टेन थीटा इक्वल्स टू रूट थ्री, या आप कह सकते हैं कि टेन के कितने एंगल का मान रूट थ्री होता है 60, इसलिए थीटा की वैल्यू क्या हो गई 60 डिग्री आ गई। और थीटा की वैल्यू अगर 60 डिग्री आ गई, अब आप वैल्यू रख दीजिए तो साइन थीटा जो है वो साइन 60 के बराबर है, जो कि क्या हो जाएगा रूट थ्री बाय टू। तो रूट थ्री बाय टू ये वैल्यू हो जाएगी। तो ये आपने कुछ नहीं किया है, सारी वैल्यूज को एक तरफ ले गए हैं।
टैन कॉट को एक तरफ ले गए हैं, फिर एक ही तरफ कर दिया वैल्यू को, टैन स्क्वायर थीटा हो गया, टैन थीटा की वैल्यू जो है आपके टैन 60 के बराबर आ रही, इसके मतलब थीटा का मान 60 डिग्री है। और इसको अगर आप यहाँ पे रख देंगे तो ये साइन 60 हो जाएगा, साइन 60 की वैल्यू कितनी है, रूट 3/2। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। तो ये जो है आपके सिंपल क्वेश्चन है, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अब देखें ये है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1/sin को क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा। और अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, आइडेंटिटी, इसलिए माइनस अंदर 1 हो जाएगा जो कि -1 के बराबर हो जाएगा। तो डायरेक्ट आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, कॉस थीटा अपॉन 1 - sin थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 + sin थीटा इक्वल्स टू 4। और थीटा की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, थीटा क्या मान होगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए देखिए, कॉस थीटा जो है ये कॉमन निकाला जा सकता है। अगर हम इसको कॉमन निकाल लें, कॉस थीटा हो जाएगा, और नीचे अगर आप देखें तो a - b × a + b, तो जो एलसीएम है वो क्या हो जाएगा, a - b × a + b। और ऊपर यहां वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 + sin थीटा, और इधर आ जाएगी 1 - sin थीटा जो कि इक्वल्स टू 4 हो जाएगी। अब प्लस थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल कर दीजिए, 1 + 1 ऊपर 2 हो जाएगा, 1 - sin² थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा इंटू 2 / cos² थीटा बराबर 4 के। तो 2 चाहे तो 2 टाइम्स कैंसिल भी कर दीजिए, 1 कॉस थीटा, कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू दैट इज 1/2 आ रही है जो कि कॉस 60 डिग्री होगा। इसलिए थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 डिग्री हो जाएगी। देख रहे हैं, तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, 60 डिग्री इसका मान हो गया। तो एक तरीका तो ये है कि आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ कॉस थीटा को कॉमन निकाला और इसका एलसीएम ले लिया। तो a - b × a + b का एलसीएम a² - b² तो जो वैल्यू है 1 + sin थीटा वो इधर आ जाएगी, 1 + sin थीटा, 1 - sin थीटा यहाँ ऊपर चली जाएगी, जिसमें प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, और 1 - sin² थीटा की जगह क्या रख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, जिससे कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा और 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा 4 में। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 जो कि कॉस 60 के बराबर, इसलिए थीटा बराबर 60 के। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा, आप अगर तेजी से चेक कर सकते हैं तो चेक कर लीजिए, क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू है। हमने आपको कहा ऑप्शन ऑप्शन को हमेशा ध्यान रखिए, स्टैंडर्ड वैल्यू को ध्यान रखिए। तो स्टैंडर्ड वैल्यू है, अगर आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी निकालना चाहें तो भी आप निकाल सकते हैं इसे, जैसे ए ऑप्शन से। अगर हम थीटा की वैल्यू जैसे 45 रखें, तो 45 अगर हम रखेंगे तो यहां पे वैल्यू कितनी हो गई, 1/√2 cos 45 की वैल्यू अपॉन 1 - 1/√2। यहां पर क्या हो जाएगा, 1/√2 अपॉन 1 + 1/√2। √2 ऊपर भी √2 नीचे भी एलसीएम होकर के कट जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 1 - 1/√2 - 1, और ये आ जाएगा 1/√2 + 1। एलसीएम ले लेंगे
तो 2 माइनस 1 एलसीएम हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा रूट 2 प्लस 1 और ये हो जाएगा रूट 2 माइनस 1, जिसमें माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल कर दीजिए, ये हो गया 2 रूट 2। तो 2 रूट 2 वैल्यू आ रही है इसके इक्विवेलेंट, जबकि यहाँ कितना आ रहा है 4, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। इस तरह से एक एक वैल्यू पुट करके करना पड़ेगा। 60 रखेंगे, फिर 60 रखेंगे तो ये कितना हो गया cos 60, दैट इज हाफ, और 1 माइनस साइन 60 मतलब हो गया रूट 3/2, तो हाफ और 1 माइनस रूट 3/2। जैसे मान लीजिए डिफिकल्ट हो रहा है तो इस मेथड से निकालिए, ये सबसे आसान मेथड है। तो 60 डिग्री अगर आपने रखा तो इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, दोनों को जब ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 बराबर 4 के सेटिस्फाई कर जाएगा, 60 आंसर हो जाएगा। तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप 60 डिग्री रख करके और तब सॉल्यूशन करें, जैसे करके दिखा देते हैं इसको। जैसे cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा है, cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 4 के दिया है। अब बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग, बी ऑप्शन क्या कह रहा है, 60 डिग्री है, cos 60 की वैल्यू 1/2, 1 माइनस साइन 60 की वैल्यू रूट 3/2, फिर cos 60 की वैल्यू 1/2, 1 माइनस प्लस रूट 3/2। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करिए, अगर 4 के बराबर आ जाती है राइट हैंड साइड के बराबर तो यही सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अब देखिए 1/2 ये है और 2 यहां पर भी एलसीएम हो जाएगा, तो 1/2 माइनस रूट 3 ये हो गया, 1/2 नीचे से कैंसिल हो जाएगा जो कि एलसीएम होगा, 2 प्लस रूट 3 ये हो जाएगा। अब देखिए एलसीएम अगर लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब 4 माइनस 3 ये हो जाएगा, ऊपर जो वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3, जिसमें रूट 3 कैंसिल कर दीजिए और ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 4, जो कि राइट हैंड के बराबर आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ये आपको चार ऑप्शन है, चार बार चेक करना पड़ेगा, तो उससे बेहतर ये है कि हम लोग जो है आपके इसी से इसी को सॉल्व कर लें, ये ज़्यादा छोटा पड़ेगा बनिस्बत इसके। तो कहीं कहीं पर आपका ऑप्शन रखना आसान हो जाता है और कहीं कहीं पर आपका सोल्यूशन ही आसान हो जाता है। तो आप हमेशा माइंड चलाते रहना है कि किसमें आपको ज़्यादा समय लगने वाला है। अगर यहाँ पे ओरली कैलकुलेशन कर लेते हैं तब तो ठीक है, तब एंगल का मान रख करके डायरेक्ट देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे किस एंगल पे सेटिस्फाई कर रहा है, वही आंसर हो जाएगा। तो इसलिए बी वाला भी जो है आपके ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर रूट 3 के, और कॉस क्यूब थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा का मान निकालना है। अब देखिए cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर रूट 3 के। अब ये क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट एलजेब्रा के एक फॉर्मूले पर आधारित है। वो क्या है कि cos से cos क्यूब कैसे आएगा जब हम इसका क्यूब कर दें। तो क्यूब का फॉर्मूला अलग रहा है, क्यूब का फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। तो इसका मतलब इसका क्यूब कर दें तो ये आ जाएगा, हम इसका क्यूब करने जा रहे हैं। तो अगर दोनों तरफ अगर हम क्यूब कर दें तो इसका भी क्यूब और इसका भी क्यूब, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का क्यूब कर दें तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी कॉस थीटा प्लस सेक थीटा, ये हो गया, और ये हो जाएगा रूट 3 का क्यूब अगर हम करेंगे तो 3√3। अब यहां पे देखिए cos थीटा sec थीटा कैंसिल,
और कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का मान कितना होता है, रूट थ्री। इस रूट थ्री की वैल्यू यहाँ रख दें, तो रूट थ्री वैल्यू यहाँ रख देंगे तो थ्री इंटू रूट थ्री, रूट थ्री हो जाएगा, थ्री इंटू रूट थ्री हो जाएगा। तो कॉस क्यूब थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा इक्वल्स टू, उधर है थ्री रूट थ्री और ये भी है थ्री रूट थ्री, इसको भी उधर ले जाएंगे तो थ्री रूट थ्री, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। देख रहे हैं सिर्फ एक लाइन का सोल्यूशन है, सिर्फ क्या है फॉर्मूले का एप्लीकेशन। फॉर्मूला अगर आपको आता है और सीधे सीधे इंडिकेट कर रहा है, क्वेश्चन देख करके ही आपको समझ में आ रहा है कि क्यूब आपको करना है, तो क्यूब जैसे ही आप करेंगे दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, फौरन एक लाइन में आपका सोल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि ये कैंसिल होने पर इसकी वैल्यू पहले से ही रूट थ्री दी हुई है, तो थ्री रूट थ्री ये भी हो गया, थ्री रूट थ्री ये भी हो गया, ये करने की जरूरत ही नहीं, अंडरस्टूड है। थ्री रूट थ्री माइनस थ्री रूट थ्री जीरो हो जाएगा, इसलिए कॉस क्यूब प्लस कॉस क्यूब थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा का मान क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। तो ये जीरो आप निकाल सकते हैं। बस ये है कि इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो एलजेब्रा का देखिए, एलजेब्रा के बहुत सारे फॉर्मूले का इस्तेमाल ट्रिग्नोमेट्री में होता है, और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ये फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन बने हुए हैं। ये आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रहा है कि क्या आप क्यूब के फॉर्मूले को जानते हैं या नहीं। अगर आप जानते हैं तो क्वेश्चन एक लाइन का सोल्यूशन है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। नहीं जान रहे हैं तो आप फंसे रहेंगे कि कैसे इसको निकाला जाए या किस तरह से ये निकलेगा। तो इसलिए जो है आपको थोड़ा सा फॉर्मूले देखने पड़ेंगे, और वो अगर आप यूज करते हैं तो बहुत आसानी से, बहुत ईजिली जो है क्वेश्चन आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, जैसे ये है sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 2k, sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 2k, आपको निकालना है sec थीटा की वैल्यू, tan थीटा को एलिमिनेट करना है। हमें ये भी इक्वेशन तो ये है, दूसरा इक्वेशन है आपके sec और tan की आइडेंटिटी बनती है, हम उसका इस्तेमाल करें। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन के होता है, ये आइडेंटिटी है। इसका अगर हम प्रयोग करें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर वन के। अब देखिए, इसकी वैल्यू पता है, वो यहां रखी जा सकती है 2, तो 2 यहां अगर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 बाय 2, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखिए, इक्वेशन नंबर 1 में sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू है, अब sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू है। अगर हम इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 ऐड कर दें तो tan थीटा माइनस tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, sec थीटा का मान आ जाएगा, और sec थीटा आपको निकालना है। तो इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को हम ऐड कर रहे हैं, तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा 2 sec स्क्वायर थीटा, 2 sec थीटा इक्वल्स टू 2 प्लस हाफ, जो कि 5 बाय 2 हो जाएगा, और 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, sec थीटा इक्वल्स टू 5 बाय 4, ये वैल्यू हो जाएगी। तो 5 बाई 4 ये sec थीटा का मान हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन जो है बहुत आसान है, सिर्फ आइडेंटिटी का प्रयोग हमारा यहाँ पर हो रहा है, और आइडेंटिटी का प्रयोग करके ही हम लोग यूज करके ही इस तरह के क्वेश्चन को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये सब हम इसलिए लिख रहे हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं, टाइम मत वेस्ट करिएगा, ये आपको पता ही है। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको लिखिए कि इसकी वैल्यू यहां 2 रखिए और sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1 के, जिससे कि ये इक्वेशन आ जाएगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, tan थीटा कट जाएगा, tan थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा का वैल्यू जो है आपके कैलकुलेट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब देखिए, यहां पे tan 2 थीटा बराबर tan 2 थीटा * tan 4 थीटा बराबर 1 के, tan 3 थीटा आपको निकालना है,
देखिए कैसे क्वेश्चन निकलेंगे, टेन टू थीटा। अब आपको यहां पे याद होना चाहिए, हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन अगर वन होता है, ए इंटू बी बराबर वन के या ए बराबर बी के, तो हम लोग क्या करते थे, एक को लेफ्ट हैंड साइड एक को राइट हैंड साइड ले आते थे, सेम रेशियो करते थे, एंगल कंपेयर कर देते थे, ढेर सारे क्वेश्चन किए थे। अगर हम इसको नीचे ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, वन बाय टेन फोर, और वन बाय टेन फोर क्या होगा, कॉट फोर थीटा। तो वन बाय टेन फोर थीटा जो है आपके कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा, कॉट फोर थीटा। अब दोनों तरफ रेशियो सेम ले आइए, टेन या कॉट, मान लीजिए इधर टेन है, इसको भी टेन ले आते हैं, तो टेन टू थीटा इक्वल्स टू टेन 90 माइनस थीटा जो होता है वो आपके कॉट थीटा के बराबर हो जाता है। तो कॉट फोर थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, टेन 90 माइनस फोर थीटा। अब देखिए सेम रेशियो हो गया, एंगल को कंपेयर कर लें, तो टू थीटा बराबर 90 माइनस फोर थीटा या सिक्स थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। निकालना क्या है हमें, थ्री थीटा की वैल्यू, इसलिए थ्री थीटा बराबर 45 के हो जाएगा, थ्री थीटा की वैल्यू आ गई। अब टेन थ्री थीटा निकाल दीजिए, तो टेन थ्री थीटा इक्वल्स टू टेन 45 डिग्री जो कि इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वन, इसलिए वन आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन वही है जो हम लोग पहले पैटर्न अपना चुके हैं, देख चुके हैं कि दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन अगर वन के बराबर है तो क्या करेंगे, एक को लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, दूसरे को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, दोनों तरफ सेम रेशियो कर लेंगे, टेन टेन या कॉट कॉट, और फिर एंगल को कंपेयर कर देंगे, एंगल निकल आएंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपने किए थे, बस उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन होता है। आई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यदि एक्स वाई धनात्मक न्यून कोण पॉजिटिव एक्यूट एंगल हो, एक्स प्लस वाई का मान 90 डिग्री हो, एक्स प्लस वाई लेस देन 90 डिग्री हो, साइन 2x माइनस 20 बराबर कॉस 2y बराबर 20 डिग्री के हो, तो sec x प्लस वाई का मान आपको निकालना है। फिर अगर आप ध्यान दें तो ये क्वेश्चन फिर उसी पैटर्न पर आ गया, साइन 2x माइनस 20 डिग्री ये है इक्वल्स टू कॉस 2y प्लस 20 डिग्री। एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड, दोनों तरफ सेम रेशियो कर लें और एंगल कंपेयर कर लें, दोनों को साइन साइन या कॉस कॉस कर लें। मान लीजिए हम साइन रखते हैं, साइन 2x माइनस 20 डिग्री इक्वल्स टू कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा 2y प्लस 20 डिग्री। अब आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ एंगल सेम हो गए, साइन एंगल को कंपेयर कर लें, क्या हो जाएगा 2x माइनस 20 डिग्री बराबर 90 माइनस ब्रैकेट ओपन कर दीजिए 2y माइनस 20 डिग्री, माइनस 20 डिग्री माइनस 20 डिग्री दोनों तरफ से एलिमिनेट हो जाएगा, 2y इधर ले आ जाएगा, तो 2x प्लस 2y 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री आ जाएगा, या क्योंकि हमें x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए इसलिए x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। अब जब ये 45 के बराबर हो गया, अब sec x प्लस वाई तो ये हो जाएगा sec 45 डिग्री, और sec किसका इन्वर्स होता है, कॉस का, कॉस 45 की वैल्यू 1 बाय रूट टू, 1 बाय रूट टू को पलट दीजिए रूट टू हो जाएगी, तो रूट टू जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो फिर इसमें वही पैटर्न है, कुछ नहीं करना था, दो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वैल्यू है, एक को दोनों को आपने एक लेफ्ट साइड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड रखा ही हुआ है, सेम रेशियो किया, एंगल कंपेयर कर दिया, तो सेम रेशियो करके एंगल कंपेयर करके अब तक हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके, 6-7 क्वेश्चन हो चुके इस पैटर्न पे, तो इसलिए कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस चाहता है, इस तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपका मुश्किल से 20 सेकेंड या 30 सेकेंड के अंदर ही जो है आपके क्वेश्चन इस तरह के हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए,
सिमिलर पैटर्न पर ये भी दिख रहा है, सेम बिल्कुल उसी तरह के पैटर्न पे आपके इसको भी कर सकते हैं आप, जैसे टेन एक्स प्लस वाई टेन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू वन, और टेन टू एक्स प्लस बाय थ्री आपको रखना है। अब देखिए इसमें फिर वही पैटर्न है, ए इंटू बी बराबर वन के, एक को एक तरफ दूसरे को दूसरी तरफ ले आए, जैसे टेन एक्स प्लस वाई बराबर वन बाय टेन एक्स माइनस, वन बाय टेन क्या होगा कॉट हो जाएगा, कॉट एक्स माइनस वाई, दोनों तरफ कॉट कर दीजिए या टेन कर दीजिए, टेन ये है ही है, दूसरे वाले को टेन हम लोग कर दें, तो ये क्या हो जाएगा टेन नाइन्टी माइनस एक्स माइनस वाई। टेन टेन सेम रेशियो आ गया, एंगल कंपेयर कर दीजिए, एक्स प्लस वाई बराबर 90 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई, प्लस वाई प्लस वाई एलिमिनेट हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 90 के, 2x की वैल्यू 90 हो गई, और 2x की ही जरूरत है, टेन 2x बाय 3 जो कि हो जाएगा टेन 90 बाय 3 जो कि टेन 30 हो जाएगा, और टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 बाय रूट 3 ये वैल्यू हो जाएगी, तो इसलिए ये जो है आपके कैलकुलेशन हो जाएगा। थोड़ा सा अगर आप छोटा करना चाहें तो अब यहां पर छोटा हो सकता है, हमने एक और तरीका बताया था आपको बड़े क्वेश्चंस को छोटा करने के लिए, और उस पर अभी बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं हुए हैं, लेकिन आगे जैसे जैसे क्वेश्चन बड़े आते जाएंगे उसका इस्तेमाल हम लोग करते जाते हैं। अब शॉर्ट ट्रिक लगा दें इसमें, ट्रिकी अप्रोच क्या है, जो वैल्यू हमसे पूछी जाती है उसमें हम छेड़खानी नहीं कर सकते ना उसको कुछ मान सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो पूछी जा रही है उसको हम कैसे मान सकते हैं। अगर मान लीजिए इसका मान एक्स का मान कुछ आ रहा है और हमने कुछ और मान लिया तो अपने आप आपका आंसर गलत हो जाएगा, तो इसलिए पहली चीज दिमाग में रख लीजिए कि अगर किस कोई भी ये देख लीजिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, अगर पूछा जो गया है उसमें जितनी भी चीजें पूछी गई हैं उसमें कोई भी चीज हम कभी मान नहीं सकते, ये पहली चीज क्लियर कर लीजिए। अब इसके मतलब एक्स को हम नहीं मान सकते लेकिन वाई यहां पे बेकार पड़ा हुआ है, तो वाई जब बेकार पड़ा हुआ है तो हम वाई को एलिमिनेट कर सकते हैं या कुछ वैल्यू इसकी मान सकते हैं। अब माने क्या, मानने के लिए क्या है कि जैसे अगर मान लीजिए कि कुछ ऐसी वैल्यू माने कि जिससे हमें फायदा होता है, जीरो मान ले, वन मान ले, कुछ टू मान ले, कुछ इस तरह की वैल्यू माने, किससे फायदा हो रहा है। अगर हम y जीरो मान लेते हैं तो देखिए ये खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा tan x, ये हो जाएगा tan x, तो y के जीरो मानते ही जैसे ही आपने y को जीरो माना ये हो गया tan x, ये भी हो गया tan x बराबर वन के, इसके मतलब हमारा इक्वेशन क्या बन गया tan स्क्वेर x बराबर वन के या tan x बराबर वन के, और tan x बराबर वन के मतलब क्या हुआ कि 1 tan के कितने एंगल का मान होता है 45, इसके मतलब कि x जो है वो आपका 45 डिग्री है, और x अगर 45 है अब इसमें रख दीजिए तो 2 into 45 by 3, तो 2 into 45 is 90, 90 by 3 30, tan 30 की वैल्यू आ जाएगी। एक बात का ध्यान रखना, तो शॉर्ट तरीका बहुत है ट्रिग्नोमेट्री में, और शॉर्ट तरीका जब हम बताते हैं, देखिए आपको याद भी होगा जो हमसे पढ़ चुका है वो जानता है, कॉन्सेप्ट जानते रहिए, शॉर्ट तरीका लगाने का तरीका भी जानते रहिए, शॉर्ट तरीका हर जगह हर चीज नहीं मानी जा सकती, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी क्या होते हैं कि हर चीज मानने लगते हैं, फिर हर जगह नहीं मानी जा सकती वहां पर। अब जैसे इसकी वैल्यू आपको निकालना था, वाई बेकार पड़ा था इसलिए वाई को हमने निकाल दिया, क्योंकि वाई के मान पर कोई चीज डिपेंडेंट नहीं है, वाई देखिए अपने आप एलिमिनेट हुआ जा रहा है, कोई मतलब नहीं है इसका, तो इसलिए हमने क्या किया
कि पहले से हमें पता है कि y का कोई काम नहीं है, y की वैल्यू अगर हम जीरो मान लेते हैं तो देखिए ये सारी वैल्यूज y की हट जाएंगी और फिर हमें x की वैल्यू निकालने में आसानी हो जाएगी। तो y की वैल्यू हमने जीरो माना, tan square x बराबर 1 के हो गया, या tan x बराबर 1 के हो गया, और tan x की वैल्यू 1 के बराबर होने के मतलब tan के किस एंगल का मान 1 होता है, दैट इज 45, इसलिए x का मान कितना हो गया 45। अब इसको यहां रख दीजिए, निकल आएगा। तो कितना टाइम लगा अगर आप इस तरह से सोचते हैं, बहुत आसानी से निकल आएगा, सब नहीं करना पड़ेगा। तो छोटे तरीके भी दिमाग में रखते चलिए, क्योंकि एग्जाम में आपके यही तरीके आपके काम आते हैं बड़े क्वेश्चन को छोटा करने के लिए। और अभी आपकी हम प्रैक्टिस करवाएंगे, बड़े क्वेश्चंस देखिए कैसे छोटे होंगे, खुद ब खुद आप देखेंगे। और इतनी बार आप ये लगेगा कि अभी क्लास में ही रट जाएगा, आपको बहुत ज्यादा उस पर पेन नहीं लेना है। अभी पहला क्वेश्चन पे हमने लगाया, या इससे पहले भी शायद एक जगह पे लगाया था, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन अभी आएगा आप देखेंगे इसी टाइप के क्वेश्चन ज्यादा शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अब देखिए ये है x इक्वल्स टू कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा और y इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। वैल्यू जो आपको निकालना है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3। देखिए ये भी क्वेश्चन क्या है, अब इसको ट्रिक पे आना पड़ेगा। ट्रिक पे नहीं आएंगे तो लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगा। पहले हम कैलकुलेशन करके आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा, फिर हम आपको तरीका बताएंगे कि कैसे इसको आप सॉल्व करें एग्जाम में। क्योंकि डायरेक्ट तरीका बता दिया तो कैसे आ गया नहीं समझ में आएगा आपको। तो पहले कॉन्सेप्ट जान लीजिए, क्वेश्चन कह क्या रहा है या क्या निकालना है। तो थोड़ा सा ओरल कैलकुलेशन करके फास्ट करने की कोशिश करेंगे। कोसेक थीटा क्या है, 1 बाय साइन माइनस साइन। तो 1 बाय साइन माइनस साइन करेंगे तो साइन एलसीएम हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ऊपर, समझ रहे हैं कैसे, 1 बाय साइन थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा साइन थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख सकते हैं, कॉस थीटा। तो इसके मतलब क्या वैल्यू हो गई, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, देख रहे हैं ये वैल्यू हो गई। इसी तरह से जो है आपकी इसकी y की वैल्यू निकालना है, क्योंकि y की वैल्यू चाहिए। तो y की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो y की वैल्यू कितनी है आप देखें, तो 1 बाय कॉस माइनस कॉस है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस आ रहा है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर हम, क्योंकि हमें स्क्वायर की जरूरत है, एक्स वाई की जरूरत नहीं है, दोनों जगह एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जरूरत है। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो ये पावर 4 हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये पावर 4 हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो गया, इन्हीं इसी की हमें जरूरत है। अब इसको देखिए, जैसे इसमें अगर हम रखें वैल्यू में तो कॉस पावर 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू y स्क्वायर, दैट इज साइन पावर 4 थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। फिर x स्क्वायर कॉस पावर 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा साइन पावर 4 थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा, साइन पावर 4 में साइन स्क्वायर थीटा टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा टाइम्स जो है आपके ये कैंसिल हो जाएगा। नीचे एलसीएम वही आएगा जो यहां रखा हुआ है, आपस में कट जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। नीचे क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये पूरा वैल्यू इस पूरी वैल्यू से कट जाएगा ऊपर नीचे। यहां क्या हो जाएगा, कॉस पावर 6 थीटा प्लस साइन पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा
कॉस स्क्वायर थीटा, देख रहे हैं आप। अब ये कैंसिल हो गया, ये किस पे चला गया, ये चला गया आपके क्यूब के फॉर्मूले पे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री इंटू ए इंटू बी ब्रैकेट में ए प्लस बी, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है वन, तो वन से मल्टीप्लाई करिए या वन जो है आपके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर हम इसको देखें तो ये क्या है, कॉस क्यूब सिक्स थीटा प्लस साइन पावर सिक्स थीटा प्लस थ्री साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या किया हमने, जबरदस्ती ऐड कर दिया, जबरदस्ती ऐड कर दिया, मतलब ये आइडेंटिटी है वन, कहीं पर भी जोड़ दीजिए, क्योंकि इंटू वन थ्री साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू वन है, वन हटा करके क्या कर सकते हैं, जोड़ दिया। तो अब ये फॉर्मूला बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री इंटू ए इंटू बी ए प्लस बी फॉर्मूला किसका होता है, ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, सॉरी ए क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब। और ये किसका क्यूब है, कॉस स्क्वायर का, और ये किसका क्यूब है, साइन स्क्वायर का, ए प्लस बी का होल क्यूब आ गया। और ये क्या है, आइडेंटिटी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो वन का क्यूब दैट इज वन, इसलिए वन आंसर आ जाएगा। तो ये क्या है, ये आपने उससे कैलकुलेशन ऐसा किया है और तब आपने इसको सॉल्व करके इस तरह से देखा, लेकिन इतना समय नहीं है हम लोगों के पास, वक्त को हमें बचाना है, टाइम को हमें कम करना है, क्योंकि कैलकुलेशन क्वेश्चन तो समझ में आ गया, कौन से फॉर्मूले पर दिया जा रहा है वो भी समझ में आ गया क्यूब के फॉर्मूले पर, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इससे हमें कभी ना करना पड़े, क्योंकि अगर हम इससे तो फिर आपके क्वेश्चन जो है वो आपके एक तरह से बहुत लेंदी हो जाएंगे। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम इसकी शॉर्ट ट्रिक देखने जा रहे हैं कि क्या हो सकता है, क्या क्या तरीका हो सकता है जिससे कि हम जल्दी इसको निकाल सकें। देखिए बहुत आसान तरीका है और सेकंडों में निकलेगा आपका आंसर, कैसे, पहले इस क्वेश्चन को लिख लें, एक्स जो है वो है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, वाई जो है ये है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, और हमें वैल्यू निकालना है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस थ्री की, ये वैल्यू निकालना है। फिर से देख लें क्वेश्चन को, x इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, y इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, और एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस थ्री का की वैल्यू हम लोगों को निकाल। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा या किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसे हमने आपको बताया। देखिए वैल्यू हमें किसकी निकालना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की, एक्स और वाई की। थीटा का यहां कुछ काम है नहीं है, थीटा बेकार का पड़ा हुआ है। तो हम कुछ ऐसा करें कि हमारा सोल्यूशन भी छोटा हो जाए, थीटा भी हट जाए। तो थीटा को कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी मानने का मतलब जब भी एंगल हम मानते, कोई स्टैंडर्ड एंगल मान लें। और देखिए सबसे सेफेस्ट मेथड आपको बता दें, रट डालिए दिमाग में, कभी भी इस तरह के मानना वाले क्वेश्चन आए, जैसे इस तरह के बड़ा क्वेश्चन आए तो थीटा को मानेंगे क्या, थीटा को अगर हम जीरो मानते हैं तो, या 90 डिग्री मानते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि कोई भी चीज कोई भी टर्म इनफाइनाइट जा सकता है। जैसे अगर हमने जीरो मान लिया, और जीरो अगर हमने मान लिया और कॉट
90 भी आ रहा है और 10 भी आ रहा है उस एक्सप्रेशन में, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। या इसी में अभी हम थीटा को 0 मान लें तो साइन थीटा तो 0 हो जाएगा, लेकिन 1 by sin theta 1/0 हो जाएगा, इनफाइनाइट अनडिफाइंड। तो 0 और 90 छोड़ दिया करिए, कभी मत मानिए किसी भी टर्म में, उसके अलावा कुछ भी मानिए, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 0-90 के बीच में, 30, 45, 60 आप किसी में मान करके आप आंसर निकाल सकते हैं। और सबसे आसान तरीका, आपको रट डालिए 45 डिग्री मान लिया करिए, सबसे आसान बीच का, क्योंकि उसमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू भी बराबर होती है, 1/√2 1/√2 टेन थीटा 1 हो जाता है, कॉट थीटा 1 हो जाता है, सबसे इजिएस्ट। तो मान आप कुछ भी सकते हैं, सबसे आंसर आएगा, लेकिन जो है आप ऐसी वैल्यू मानिए, 0-90 हमेशा के लिए छोड़ दीजिए, कभी मत मानिए। और थीटा के लिए चाहे 30 डिग्री चाहे 45 डिग्री चाहे 60 डिग्री, तो स्टैंडर्ड वैल्यू में यही बचा, जिसमें से हमेशा सपोज कर लीजिए थीटा का मान 45, तो अगर हम थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रख दें, तो देखिए कितना आसान हो जाएगा। x की वैल्यू पहले निकालें, कोसेक थीटा, कोसेक 45, कोसेक क्या है, साइन का इनवर्स, साइन 45 की वैल्यू कितनी थी, 1/√2, 1/√2 को पलट देंगे रूट टू हो जाएगी, रूट टू माइनस 1/√2, और रूट टू को अगर एलसीएम ले लिया तो रूट टू हो जाएगा, 2 - 1 1/√2 आ गया, देख रहे हैं। वाई की वैल्यू उसी तरह से निकाल लीजिए, कॉस 45 1/√2 को पलट दीजिए, सेक 45 हो जाएगा, तो √2 - 1/√2, √2 एलसीएम ले लीजिए तो ऊपर हो जाएगा √2 × √2 2 - 1 1 हो जाएगा, और नीचे √2 रहेगा। अब हम अगर ये कहें कि आपको वैल्यू ये निकालना है, तो x की वैल्यू अगर हमें पता है तो x स्क्वायर भी तो पता है, तो अगर x की वैल्यू 1/√2 है तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2, y स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2, फिर 1/2 + 1/2 + 3, अब इसे निकाल दीजिए, तो अब देखिए ये क्या हो गया, 1/4, हाफ प्लस हाफ 1 हो गया, 1 + 3 = 4, 4 कैंसिल कर दीजिए, 1 आंसर आ गया। कितना टाइम लगा, उसी तरह से बिल्कुल आपने सोल्यूशन को किया है, बस ये है कि आप वहां पर बहुत लेंदी कैलकुलेशन हो रहा है, और यहां पे आप देख रहे हैं क्यूब क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है, एक्सपेंड करना पड़ रहा है। अभी हम लोगों ने क्या किया, बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को बहुत इजीली निकाल लिया, बस दिमाग में ये रखना है आपको, शॉर्ट ट्रिक लगाते टाइम, ट्रिक बहुत मिलेगी, ट्रिक बहुत बताएंगे, छोटे बहुत क्वेश्चन हो जाएंगे, चाहे जितने बड़े क्वेश्चन हो सोल्यूशन बहुत छोटा हो जाएगा, बस ये है कि दिमाग में ये रखिए, हर चीज को नहीं मानते, जो आप लोग गड़बड़ाते हैं या आप लोग का जो कॉन्सेप्ट खराब होता है वो इसी पर खराब होता है। जब आप सब कुछ मानने लगते हैं, मतलब इस पे भी मान लें, इसको भी मान लें, इसको मान लें, हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, मानेंगे अभी हम लोग जितने क्वेश्चन है, जितने अब तक के आए हुए क्वेश्चन है, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सब अभी आएंगे, और सबको आप दो दो तीन तीन लाइन में सॉल्व कर लेंगे, और जब इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप इसे सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो ये क्या है, ये आपका ऐसा ट्रिक है, ऐसा अप्रोच है जो इधर उधर कहीं लिखा नहीं है, लेकिन आपको हम अपने जो है अप्रोच से बता रहे हैं खाली कि हाँ कैसे आसानी से निकाला जा सकता है। तो इजिएस्ट वे है, तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो आपके दिमाग में हम क्या डालना चाहते हैं, डालना ये चाहते हैं कि जो चीज हम लोगों को निकालना है उसकी वैल्यू में कभी छेड़छाड़ नहीं करते, उसको कभी हम वैल्यू नहीं देते, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ रहा है टर्म में, इसके मतलब एक्स और वाई को हम कभी वैल्यू नहीं देंगे, पुट नहीं करेंगे, उसके अलावा जो बचेगा उसको हम वैल्यू दे सकते हैं। जैसे थीटा बच रहा है, थीटा को हमने कोई भी वैल्यू दे दिया, ऐसी वैल्यू मत दीजिए कि जिससे अनडिफाइंड हो जाए वैल्यू, या कोई भी टर्म अनडिफाइंड हो जाए। 0 और 90 डिग्री को अवॉइड करिए, क्योंकि 0 और 90 पे अनडिफाइंड हो जाता है, नहीं तो मान लीजिए आपने स्टार्ट कर दिया 0 से, आगे पहुंचे मलवा अनडिफाइंड हो गया, फिर आप दूसरा एंगल दे रहे हैं, इसलिए पहले से सेफेस्ट मोड ले लीजिए,
सेफेस्ट मोड ये है कि 45 डिग्री लेकर के चलिए, कभी अनडिफाइंड नहीं होगा, ना तो टैन होगा, ना कॉट होगा, ना साइन होगा, ना ना तो साइन होगा, कोसेक होगा, ना सेक होगा, ना कॉस होगा, तो 45 पे कोई अनडिफाइंड नहीं होता, तो इसलिए आसानी से आप निकाल सकते हैं। आप देख रहे हैं कितनी आसानी से क्वेश्चन आपने निकाला। इसको करने में कितना टाइम लगेगा? बहुत थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़े से एफर्ट से आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।